हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एफईए बुक वन का लेसन नंबर 17, माय फेवरेट थिंग्स। तो यहाँ पे एक्सरसाइज ए दिया है, यहाँ पे आपको प्रेडिक्ट करना है। आपको एक वीडियो पार्ट दिखाया जाएगा क्लास में, मूवी का वीडियो पार्ट। तो आपको उस पार्ट सेकंड को देख करके प्रेडिक्ट करना है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। तो मैंने वो वीडियो देखा है, तो उसमें पार्ट थर्ड में जो ओल्ड मैन अपने हाउस को लेकर के फ्लाई हो जाता, मतलब उड़ जाता है पूरे बलून के साथ, तो जो उसका घर रहता है वो जस्ट एकदम फ्रंट ऑफ पैराडाइज फॉल के फ्रंट में लैंड करता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द हाउस ऑफ ओल्ड मैन विल बी लैंडेड इन फ्रंट ऑफ पैराडाइज फॉल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप एक घर बना करके और यहाँ पे आप पैराडाइज फॉल बना सकते हैं। तो ये था एक्सरसाइज ए। अब आइए देख लेते हैं एक्सरसाइज बी। राइट टू सेंटेंसेस अबाउट योर फेवरेट। अब यहाँ पे आपको फेवरेट सेंटेंसेस लिखना है, मतलब फूड है जिससे फर्स्ट है फूड, तो दो सेंटेंस लिखना है आपको फूड के ऊपर जो कि आपका फेवरेट हो। जैसे अब मेरा फेवरेट है बिरयानी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई लाइक बिरयानी, आई लाइक बिरयानी। ओके, तो जस्ट इस टाइप से। अब यहीं पे ड्रिंक में देख लेते हैं, ड्रिंक में फूड में आपको दो लिखना है, तो आप सेकंड आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई लाइक पनीर एक्सेट्रा, मींस कुछ भी। नाउ ड्रिंक में मुझे सॉफ्ट ड्रिंक जैसे पसंद होता है, तो फिर आई लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आई लाइक मैंगो जूस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप कुछ भी लिख सकते हो। नाउ वॉट एवर योर फेवरेट। नाउ सीज़न में आई लाइक विंटर सीज़न, आई लाइक स्प्रिंग सीज़न, तो आप ये लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लोथिंग में आप किस टाइप के क्लोथ्स कपड़े पहनना पसंद करते हो, आप ये लिख सकते हो। यहाँ पे आई लाइक जीन्स, आई लाइक ट्राउजर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ कलर में विच कलर डू यू लाइक, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो, ब्लैक कलर, वाइट कलर, पिंक, ऑरेंज, कोई भी। नाउ यहाँ देख लेते हैं एक्सरसाइज सी। नोट द रिस्पॉन्सेस ऑफ योर क्लासमेट्स हियर। यहाँ पे आपके क्लासमेट्स के रिस्पॉन्सेस लिखना है। अब आपको सबसे पहले फूड्स के नाम तो खुद लिखने होंगे, टोटल 5 फूड्स के नाम, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे पनीर, बिरयानी, ब्रेड एक्सेट्रा, मीन्स 5 आपको यहाँ पे लिखने होंगे। और उसके बाद फिर बाकी आपको क्लास में बताया जाएगा कि यहाँ पे टैली कैसे करते हैं। जैसे आप किसी बच्चों को, फ्रेंड को आपके पनीर पसंद होगा तो आप पनीर पे एक टैली करेंगे, किसी को बिरयानी पसंद होगा तो बिरयानी पे आप एक टैली करेंगे, तो इस तरीके से होता है। नाउ ड्रिंक्स देख लेते हैं। तो ड्रिंक पे भी आप यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक, मिल्क शेक, बनाना शेक, आप बहुत कुछ लिख सकते हो, कोल्ड कॉफ़ी, तो इस तरीके से। नाउ सीज़न में आप लोग जानते ही हैं, समर सीज़न, विंटर सीज़न, ऑटम सीज़न एंड स्प्रिंग सीज़न एंड मॉनसून सीज़न, तो आप सीज़न के नाम लिख सकते हो यहाँ पे। एंड क्लोथिंग में आप बहुत कुछ हो सकते हैं, वेस्टर्न ड्रेस, जीन्स पैंट, टी शर्ट एंड फॉर्मल टी शर्ट्स, मतलब बहुत कुछ हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग क्लोथ्स के नाम लिख दोगे। नाउ फेवरेट कलर, आप यहाँ पे कलर के फिर नाम लिखोगे, ब्लैक, वाइट, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन, कुछ भी आप कलर के नाम लिखोगे। उसके बाद फिर क्लास में आपको टैली करने के लिए आपके फ्रेंड का, अगर आपका फ्रेंड ब्लैक कलर पसंद करता हो, आपने आप ब्लैक लिखा, तो ब्लैक पे 1 टैली देना पड़ेगा आपको। ये आपका टैली होता है कि आपको कौन सा पसंद है, तो आप अपने वाले पे 1 टैली दोगे। नाउ रिफ्लेक्शन डी देख लेते हैं, एक्सरसाइज डी रिफ्लेक्शन। डिड यू मेक एनी मिस्टेक, व्हाट वाज इट। क्या आपने मतलब आज की जो आपकी क्लास चली होगी जिस दिन लेसन 17 का, तो आपने क्या पूरे क्लास में कोई भी ऐसा मिस्टेक किया जो आपको लग रहा, कुछ भी ऐसा किया जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मिस्टेक है, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मिस्टेक है, तो ये भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। एंड हाउ डू यू फील व्हेन यू मेक अ मिस्टेक एंड व्हाई। आप कैसा फील कर रहे हो, आप हैप्पी फील कर रहे हो या बैड फील कर रहे हो, तो ये चीज़ फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे मेरे क्लास में ये रूल है कि आपको कोई भी सेंटेंस, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको फुल सेंटेंस में
उसका आंसर देना। जैसे कि अगर मेरे क्लास में पूछा जा रहा है व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा माई नेम इज़ अनुज, ना कि सिर्फ अनुज। तो अगर आपने फुल सेंटेंस में आंसर नहीं दिया तो आप लिख सकते हो कि मैम टूडे आई एम नॉट यूजिंग फुल सेंटेंस वर्ड, तो आप इस तरीके से यहाँ पे बता सकते हो। एंड आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया उसे उस टाइम, जिस भी टाइम पे आपने यूज़ नहीं किया हो उस टाइम को आप बता सकते हैं। फिर आप कैसा फील कर रहे हो तो वो चीज़ आप फिर बता सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है अभी भी, तो आप हमें मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।